पर उसके बिहाव पर एक प्रॉब्लम हो जाएगी आपको कि बाद में आपको पीआर लेने में दिक्कत हो जाएगी। नो डाउट के होता है, टूरिस्ट वीजा भी वर्क वीजा में कन्वर्ट होता है, बट उसके पीछे कॉम्प्लिकेशंस कितनी है पता है आपको? पहली एक जो वीडियो है ऑलरेडी मेरे चैनल पर है। Boundless Sing. वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज के सेकंड पार्ट में। हम बात कर रहे थे रोमानिया के कुछ डाउट्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स के बारे में। अभी पहली वीडियो में हमने दो तीन चीजों के बारे में डिस्कस किया था, तो अभी हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों मुझसे ना एक कंपैरिजन बार बार मांगा जाता है, उसमें बोला जाता है कि आप बताएं हमें कि शेंगेन कंट्रीज सही हैं या रोमानिया सही है। दोस्तों दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। शेंगेन में भी पैसा अच्छा बनता है, रोमानिया में भी अच्छा बनता है, बट मोस्टली डिपेंड करता है आपका कहाँ पर जाकर सेट बैठने वाला है। मेरे कहने का मतलब, हो सकता है आप एक ऐसी शेंगेन कंट्री में जा रहे हो जहाँ पर आपको सैलरी तो 2-2.5 लाख मिलने वाली है, बट वहाँ पर आपको अकोमोडेशन जो है खुद की लेनी पड़ेगी, फूड जो है खुद से प्रोवाइड करवाना पड़ेगा अपने आप को, जहाँ आपको हर साल के साल वीज़ा लेने के लिए, वीज़ा एक्सटेंड करने के लिए मोटी फीसेस देनी पड़ेगी। जैसे इटली में होता है ना कि वो जो 9 महीने का वीज़ा मिलता है खेती बाड़ी के बेस पर, तो वो क्या करते हैं कि 9 महीने बाद उनको जितना उन्होंने साल में कमाया होता है उसका 1/3-1/4 हिस्सा उनको फिर से उनको वहाँ पर एम्प्लॉयर को देना पड़ता है ताकि उनको फिर से 9 महीने का वीज़ा मिल जाए। तो ऐसी जगह पर जाकर आप कमाओगे भी क्या? एक मोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये एग्जांपल 100% हर चीज़ पर फिट बैठेगी, बट मोस्टली ऐसे ही होता है। मान लो आप एक देश में गए हो, शेंगेन कंट्री में गए हो, वहाँ पर आपको जो लेट्स डिसाइड के आपको 2 लाख रुपया मिलने वाली है सैलरी, तो अभी 2 लाख सैलरी मिलने वाली है, उसमें आपका जो रहने का खाने का खर्चा वगैरह है वो डालकर, मतलब उधर ट्रैवलिंग का खर्चा डालकर जो आपको खुद से करनी पड़ती है वो सारा वगैरह डालकर आपका जो खर्चा है वो हाफ एंड हाफ निकल जाता है। मतलब 1 लाख निकल गया, 1 लाख आपके पास बच गया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है यूरोपियन कंट्रीज़ में अगर आपने अपना ही अकोमोडेशन लेकर रहना है। अगर तो आप किसी के साथ रह रहे हो ना, ऐसे शेयर अपार्टमेंट में रह रहे हो, तो वो ठीक है, बट उसके बिहाव पर एक प्रॉब्लम हो जाएगी आपको कि बाद में आपको पीआर लेने में दिक्कत हो जाएगी। तो अगर आप लॉन्ग टर्म का सोचकर चल रहे हो ना कि आपको पीआर भी लेनी है, आपको सब कुछ, तो आपको एक वैलिड अकोमोडेशन लेनी पड़ेगी जिसमें आपके नाम के बिल, आपके नाम के अकोमोडेशन रेंट कटते हों, उस तरीके से मैं सोच रहा हूँ। तो 1 लाख तो आपका 2 लाख से उसी काम में निकल जाएगा, खाना रहना ट्रैवल वगैरह में। तो अभी बचा 1 लाख, मतलब हाफ सैलरी आपकी बच गई। अभी हाफ सैलरी में क्या हुआ कि आपने जिस कंपनी में काम कर रहे हो वो कंपनी का एम्प्लॉयर हर साल के साल आपको बोलता है कि भाई देखो इस साल का आपका खत्म हो गया, अगर आपने अगली एम्प्लॉयमेंट चाहिए आपको तो मुझे इतने लाख रुपया दो, फिर मैं आपका वीज़ा अप्लाई करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। अगर ऐसा होता है आपके साथ, जो कि मोस्टली होता है बहुत सारे लोगों के साथ, वीज़ा लेने के लिए उनको फिर से पैसे देने पड़ते हैं, तो अगर मान लो कि वो 20,000 महीने के हिसाब से वो भी निकल गया, या 40,000 महीने के हिसाब से 3-4 लाख रुपया या 5 लाख उसको देना पड़ा हर साल, 30-40,000-50,000 के करीब, 30,000 भी लगा कर चलें कि वो निकल गया, तो आपके पास बचा क्या? 70-75,000। उसमें आपने अपना पर्सनल खर्चा भी करना है, उधर कोई अपना घूमना फिरना होता है, कुछ अपनी चीज़ें खरीदनी होती है, उसके बीच में से आपको अपने देश में भी भेजना होता है, एट द एंड आपके हाथ में उतने ही बच रहे हैं। तो अभी एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ सैलरी मैंने बहुत ज़्यादा बताई है, इससे बहुत कम भी होती है। कई शेंगेन कंट्रीज में तो अभी तक सैलरी मैंने देखी है कि 40-50,000-60,000 भी है, तो उस हिसाब से जाएं तो कितने बचेंगे, ठीक है ना? तो ये चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। उसके कंपैरिजन में अगर आप रोमानिया में आते हो तो रोमानिया में क्या होता है कि मोस्टली कंपनीज में आपको रहने के लिए खाने के लिए मिलता है, सैलरी सीधी सीधी आपको बच जाती है, और वीज़ा जो है कंपनी अप्लाई कर कर देती है, TRC कार्ड आपका कंपनी बनवा कर देती है, और जितने टाइम के लिए आपका प्रोसेस होता है ना, टाइम आपको इमिग्रेशन में जाना पड़ता है या कुछ भी है, वो टाइम के पैसे भी आपको कंपनी देती है। मतलब आपका कुछ खर्चा नहीं लग रहा है, आप टेंशन फ्री हो, आपका वीज़ा लग रहा है, आपका सब कुछ हो रहा है, बस आपको काम करना है, पैसे लेने हैं, बस यूज करने हैं। उस सिचुएशन में अगर 50-60,000 भी आपकी सैलरी है, 70,000 भी आपकी सैलरी है रोमानिया के अंदर, तो भी आपकी जो सैलरी है वो कई यूरोपियन कंट्री के कंपैरिजन में ज्यादा होगी, क्योंकि एट द एंड आपको टेंशन कोई नहीं होगी उसमें, ठीक है, कि आपको वीजा अप्लाई करना है, आपको ये करना है, आपको वो करना है, आपको अकोमोडेशन ढूंढनी है, आपको ये करना है, ऐसी कोई टेंशन नहीं होगी, आप स्ट्रेस फ्री रहोगे।
मैं ये नहीं कहता कि ये 100% सब पर कंपैरिजन फिट बैठता है, बट मोस्टली ये फिट बैठ जाता है। तो रोमानिया में क्या होता है कि आपको मोस्टली खाने की, रहने की या फिर ट्रांसपोर्ट वगैरह की फिर टेंशन नहीं होती। यूरोपियन बाकी कंट्रीज में क्या होता है कि मोस्टली जो आपको खाने के लिए, रहने के लिए खुद से अरेंज करना पड़ता है, ट्रांसपोर्ट खुद से अरेंज करनी पड़ती है, तो ये एक बड़ा कॉस्ट हो जाता है, खासकर यूरोपियन कंट्रीज में। यहाँ पर खाना और रहना सबसे महंगा होता है। बाकी डिपेंड करता है, अगर आपको कोई ऐसी जगह जॉब मिल जाती है जो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज दे रहे हैं, बहुत सारी सैलरी दे रहे हैं, तो नो डाउट के शैनिगंज जो है हर हाल में रोमानिया से अच्छा ही है रहने के लिए। दोस्तों एक स्कैम बहुत देखने को आया है, बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट कर बताया है कि एक नया स्कैम चल रहा है कि जो एजेंट्स हैं, सारे एजेंट नहीं मैं बोलता पर काफ़ी सारे एजेंट जो हैं वो क्या कर रहे हैं कि जो वर्क वीज़ा है वो तो थोड़ा टाइम पर मिल रहा है, लेट मिल रहा है, बट जो टूरिस्ट वीज़ा है वो थोड़ा जल्दी मिल जाता है। तो वो क्या करते हैं कि टूरिस्ट वीज़ा जो है ना वो अप्लाई कर देते हैं बंदे का, कि टूरिस्ट वीज़ा भी 90 दिन का होता है, वर्क वीज़ा भी 90 दिन का होता है, तो वो टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर वो भेज देते हैं, बोलते हैं कि रोमानिया चले जाओ, वहाँ जाकर आपको जॉब करनी है। तो कई बार तो क्या होता है कि जो बंदों को बेचारों को पता ही नहीं चलता है कि ये टूरिस्ट वीज़ा या वर्क वीज़ा, वो देखते हैं वीज़ा, बोलते हैं कि हाँ भाई ठीक है हम चले जाते हैं, बट जिन बंदों को पता लग जाता है कि ये वर्क वीज़ा नहीं टूरिस्ट वीज़ा है, वो जब पूछते हैं एजेंट से तो वो बोलते हैं कि नहीं भाई इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ पर जाओगे, आपको जब कंपनी में वर्क मिल जाएगा ना तो आपका टूरिस्ट वीज़ा जो है वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो भाई इस स्कैम से बचें। नो डाउट के होता है टूरिस्ट वीज़ा भी वर्क वीज़ा में कन्वर्ट होता है, बट उसके पीछे कॉम्प्लिकेशंस कितनी है पता है आपको? बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं उसके पीछे। टूरिस्ट वीज़ा पर आपको काम करने की परमिशन नहीं होती, तो आप जब जाते हो रोमानिया के अंदर तो आपको जाते ही जो इस कंपनी में वो एजेंट भेजेगा वहाँ पर वो आपको काम करवाएगी, तो सबसे पहले आप इनलीगल यहीं पर हो जाते हो, वो कंपनी के मोहताज भी हो जाते हो कि वो कंपनी आपको कहीं पर जॉब दे या ना दे। अगर आप वर्क वीज़ा पर जाते हो तो एक कंपनी आपको छोड़ देती है, NOC दे देती है, तो आप दूसरी कंपनी में जाकर जॉब तो ले सकते हो, कम से कम TRC कार्ड तो अप्लाई कर सकते हो। अगर टूरिस्ट वीज़ा पर हो, एक कंपनी आपको छोड़ दे कि हमने नहीं रखना भाई, तुम तो टूरिस्ट वीज़ा पर हो, कर लो जो करना है, तो आप दूसरी कंपनी के पास जाओगे तो दूसरी कंपनी बोलेगी भाई आप टूरिस्ट वीज़ा पर हो और आप कैसे जॉब मांग रहे हो, तो ये सिचुएशन भी आ सकती है। बट इसके अलावा अगर आप पॉजिटिव भी लेकर चलें कि आपको टूरिस्ट वीज़ा मिल गया, टूरिस्ट वीज़े पर आप उधर चले गए, उधर जाकर आपको कंपनी ने लेसी के वर्क दे दिया और वर्क वीज़ा आपका अप्लाई कर दिया, तो भी वर्क परमिट आने के बाद जब वर्क वीज़ा अप्लाई होगा उसके लिए जब टूरिस्ट वीज़ा फिनिश होगा, एक्सपायर होगा, तो आपको रोमानिया को 24 घंटों के लिए एटलीस्ट छोड़कर वापस जाना पड़ेगा, चाहे अपने देश जाना पड़ेगा चाहे दूसरे देश में जाना पड़ेगा। तो उस सिचुएशन में भी आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है काम सारा। ऐसा काम तब तक नहीं करो जब तक आपको ये फंसी नहीं पड़ी कि आपके पास कोई और चारा ही नहीं है, आपको यही करना पड़ेगा। बट जब आपके पास चारा है, वर्क वीज़ा मिल जाता है, हाँ थोड़ा लेट मिलता है, तो आप थोड़ा सब्र कर लो ना, क्यों भला रोमानिया में जाओगे, वहाँ पर जाकर कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई, फिर रिजेक्शन लग सकती है, डिपोर्टेशन हो सकती है या कोई और प्रॉब्लम आ सकती है, वहाँ पर आप नए बंदे हो, आपको लैंग्वेज नहीं आती है, आप कैसे टैकल करोगे सारी प्रॉब्लम्स के साथ? ठीक है, इससे अच्छा तो है कि आप इंडिया में या अपने होम कंट्री में जहाँ से आप हो वहाँ पर रहो, थोड़ा वेट कर लो और वर्क वीज़ा आने पर ही आप जाओ। अच्छा एक डॉट और है, कुछ लोगों को वो सोचते हैं कि जो स्नोफॉल होता है उसमें काम बंद हो जाता है। नहीं भाई, कोई काम नहीं बंद होने वाला, बंदे स्नोफॉल में भी काम करेंगे। रोमानिया में जो कंपनीज हैं वो आपसे स्नोफॉल में भी काम करवाएंगी, बारिश में भी काम करवाएंगी, धूप में भी काम करवाएंगी, मतलब उन्होंने जो बंदे बुला रखे हैं ना रोमानिया के अंदर, हर सिचुएशन में वो आपसे काम करवाएंगे। हाँ वो बात अलग है कि जब एक्सट्रीम वेदर कंडीशन हो जाती है जिसमें बंदा काम नहीं कर सकता, तो वो क्या करते हैं कि कुछ टाइम के लिए काम को रोक देते हैं, कुछ टाइम के लिए जब तक वो सिचुएशन है उस टाइम के लिए उस काम को रोक देते हैं, या फिर अगर स्नोफॉल हुई है तो वो स्नो उठवाएंगे आपसे। अगर तो कंपनी के पास काम है और उनके पास वर्कलोड है तो आपसे वो हर सिचुएशन में काम करवाएंगे, नो डाउट कि उसके सैलरी भी अच्छी देंगे वो आपको, बट वो हर सिचुएशन में आपसे काम करवाएंगे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं कि बारिश हो रही होती है, बंदों को डलवाकर ओवरकोट पतले से ऊपर चढ़ाया होता है 8वीं मंजिल पर, चलो भाई कंक्रीट होने वाला है वहाँ पर कंक्रीट करो। मैं किसी को डरा नहीं रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि वो बंदे जो है ना काम पर विश्वास करते हैं, वो नहीं देखते कि कंडीशन कैसी है, अगर वर्कलोड है तो काम करना है बस।
हाँ, ये जो नखरे होते हैं कि काम बंद हो जाएगा कुछ टाइम के लिए या फिर कंपनी ठंड में काम नहीं करवाएगी, वो उन कंपनीज के नखरे होते हैं जिन कंपनीज के पास वर्कलोड ज्यादा नहीं है, बिल्कुल स्लो काम है। तो वो नखरे भी क्यों होते हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। पहले ये कमेंट जो आया था मुझे उसके बारे में मैं आपको फुल बता दूं। इन्होंने पूछा था कि स्नोफॉल में काम बंद हो जाता है तो क्या कंपनी जो है वो उनको सैलरी फुल देती है। देखिए दोस्तों, जो तो कंपनी वर्कलोड पर चल रही है, मतलब कि उनके पास बहुत सारा काम ऑलरेडी पड़ा है और उनको वो काम खत्म करना ही है, तो वो तो किसी सिचुएशन में काम नहीं बंद करने वाले। बस क्रिसमस और न्यू ईयर में वो काम बंद करेंगे, थोड़े बहुत दिन की छुट्टियां होंगी, वो भी जो छुट्टियां होंगी जो हॉलीडेज काटकर जो वर्किंग डे होंगे ना इस टाइम में, उन हॉलीडेज के पैसे जो है आपको पेड होते हैं। बेसिकली वो एक महीने की सैलरी होती है, मतलब आपने 12 महीने काम किया आपको एक महीने की सैलरी मिलती है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि जब कंपनीज ने अपना काम क्रिसमस के टाइम पर बंद करना होता है थोड़े टाइम के लिए, तो वो क्या करते हैं कि जो तो पब्लिक हॉलीडेज हैं, नेशनल हॉलीडेज हैं, वो तो लगा लिए, सैटरडे संडे लगा लिए, उसके अलावा जो वर्किंग डे आएंगे उस टाइम पीरियड में वो क्या करेंगे, आपके जो 21 हॉलीडे होंगे ना वो हॉलीडे वहाँ पर भरवाएंगे, वो जो आपके हॉलीडे हैं वहाँ पर भरकर आपको उसकी सैलरी जो है आपको वो मिलेगी, ठीक है ना। चलो वो एक हिसाब से जायज़ भी है कि आप काम भी नहीं कर रहे, आप बैठे भी होंगे तो आप हॉलीडे में पैसे भी ले रहे होंगे। बट जिस कंपनी के पास काम नहीं है, उन्होंने मान लो कि दिसंबर के एंड से लेकर मार्च तक काम को बंद करना है, ठीक है ना, कि स्नोफॉल तक काम बंद ही कर दो यार, कोई बात नहीं, अच्छा है, वो क्या करेंगे कि आपके 21 हॉलीडे उन्होंने भरवा लिए दिसंबर के एंड से लेकर जनवरी के एंड तक, वो हो गई। बाकी आगे जो फेब है, मार्च है, वो जो टाइम होगा, अगर उन्होंने उस टाइम में आपको बिठा दिया और आप सोचेंगे कि उस टाइम की आपको सैलरी मिल जाए, तो कभी नहीं मिलने वाली भाई। कितनी भी अच्छी कंपनी होगी, बिठाकर कंपनी कभी भी रोमानिया की कोई भी आपको सैलरी नहीं देगी। कभी कोई एजेंट आपको बोलता है या कोई भी पर्सन आपको बोलता है कि कंपनी बिठाकर सैलरी देगी, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। जितने पेड हॉलीडे होंगे उतने आपको मिल जाएंगे, उसके बाद जो है आपका अनपेड काम शुरू हो जाएगा, आपको सैलरी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों ये कुछ डाउट्स थी कुछ बंदों की, कुछ क्वेश्चंस थे कुछ बंदों के, जो मैंने कोशिश की है क्लियर करने की। एक वीडियो में पॉसिबल नहीं था तो मैंने दो वीडियोस बना दी इस पर। पहली एक जो वीडियो है ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, तो होप्स हो के मेरी मेहनत जो है वो आप सबके काम आएगी और जो वीडियो है वो आपके लिए नॉलेजेटिक रही होगी, इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल की सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक हमेशा ही पहुँचते रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सत श्री अकाल।